तो क्या हाल है सबके। आज हम बात करेंगे कि एक्सपीडिया में अपनी बैंक डिटेल्स हम कैसे डाल सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं गूगल पे और यहाँ पे टाइप करते हैं एक्सपीडिया एक्स्ट्रानेट। ये आ गया। पहले ये ऑप्शन, उसके बाद यहाँ पे हम लॉगिन्स डालते हैं। तो ये हमारा एक्सपीडिया का डैशबोर्ड खुल चुका है। सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिख रहे होंगे, तो ये जो ऑप्शन है आपका पेमेंट्स, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम राइट हैंड साइड पे ये कुछ ऑप्शंस हैं, यहाँ पे नीचे की तरफ आप देखेंगे पेमेंट सेटिंग्स, पेमेंट फ्रॉम एक्सपीडिया ग्रुप, यानी जितनी भी ऑनलाइन पेमेंट आती है वो एक्सपीडिया हमें बैंक अकाउंट में दे तो हमें यहाँ पे उसको फिल करना पड़ेगा। तो मैनेज पेमेंट सेटिंग्स पे हम क्लिक करेंगे। तो ये है हमारा इंटरफेस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये टाइप करते हैं एडिट, सेकंड जो एडी के एडिट का ऑप्शन है बैंकिंग इन्फॉर्मेशन, इसको हम एडिट करते हैं। बैंक अकाउंट होल्डर नेम, तो यहाँ पे हम डालते हैं नंबर 5। बैंक ब्रांच नंबर, यहां आप अपना आईएफसी कोड डालें। ये डालने के बाद आप इसको सेव कर दें। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 72 आवर्स के अंदर आपकी ये जो इन्फॉर्मेशन ये अपडेट हो जाएगी एक बार वेरिफिकेशन होने के बाद। तो आपको और कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अपना जो बिलिंग एड्रेस है या अपना फ़ोन नंबर है, ईमेल आईडी है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र पेमेंट मेथड आपका ये है, यानी बैंक ट्रांसफ़र। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, कुछ भी इंक्वायरी हो आपकी, कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग किसी भी OTS साइट की, तो प्लीज़ आप मुझे फील फ्री कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।